साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको कोई अपना ब्लॉग डेली रूटीन या कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो रूटीन में काम आते हैं। तो आज जो बताने वाली हूँ वो आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। और यदि अगर नए हैं आप मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए आइए। हम गृहणियाँ जब खाना बनाते हैं तो कई बार हमारे हाथ खाना बनाते हुए जल जाते हैं, कभी रोटी सेकते हुए, कभी तवे से, कभी भगोने से, ऐसा अक्सर होता है। तो जब भी आपका हाथ जल जाए तो टेंशन नहीं करिए, घर में आटा गूंदा हुआ होता ही है, वो आटा लीजिए और उसको अपने उंगलियों में जहाँ जला है वहाँ टिप्स में ऐसे लगा दीजिए, जहाँ पे भी जला, जैसे मैं अभी उंगलियों में बता रही हूँ वैसे आपके कहीं पे भी जला है उसको लगा दीजिए। आटा हमेशा घर पे गूंदा हुआ मिलता ही है, आटा लगाने से जहाँ पे भी आपका हाथ जला है उसकी जलन को ये कम करेगा, ठंडक पहुँचाएगा। कभी भी आपका हाथ जल जाए तो फटाफट आप जले हुए जगह पे आप आटा लगा दें। चलिए अब दूसरे हैक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुकर में हम रसोई के कपड़े कैसे धोएं, क्यों धोएं और किस तरह से धोएं। आज मैं आपको एक मैथड बता रही हूँ किचन के जो कपड़े होते हैं, देखिए कितना मुर्गी के कपड़े वगैरह होते हैं, ये वैसे तो धोने से साफ हो जाता है पर इसके जो चिकटक है, ये जो घी और तेल का जो ये आता है वो नहीं निकलता है, तो उनको हम कैसे साफ करें तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए, तो यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, तो जितने आपके कपड़े हों उस हिसाब से आप पानी डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक जिससे कपड़ों का रंग ना निकले, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून वॉशिंग पाउडर, कोई भी जो भी आप कपड़े धोने का साबुन यूज करते हैं वो डाल दीजिए, पाउडर यूज करते हैं वो, मैं 3 कपड़े धोने वाली हूँ, अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ जो खाने का सोडा है वो भी डाल रही हूँ, तो ये मैं 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डाला, इससे इसकी जो चिकट होती है रसोई के कपड़ों की, जो ऑयलीनेस होती है वो निकलती है। और रसोई के जो कपड़े हैं उनको मैं डाल रही हूँ, इसमें से रोटी में जो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो वाली डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई से भी डाल सकते हैं, कोई से भी मसोते, कोई से भी कपड़े, यहाँ तक कि आपके जो पहनते हैं वो कपड़े भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया, इसकी मैंने सीटी निकाल दी, आप विसल जरूर निकाल दें। और ढक्कन लगाने से क्या होता है, जो इसकी भाप होती है वो अंदर ही रहती है और कपड़े अच्छी तरह से कपड़ों पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि हमारा पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका था, 2-3 मिनट गैस को ऑन रखा है और 2-3 मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। और ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट तक आप कुकर को एज इट इज ही रहने दें, और 5 मिनट बाद कुकर का ढक्कन खोल दें, तो क्या होता है जो अंदर भाप होती है उससे ये कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। देखिए सर्फ भी डला हुआ है, नमक से इसका जो रंग है वो नहीं निकलेगा, मीठे सोडे से इसका जो चिकटापन है वो निकल जाएगा, और ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा कितना मैल निकला है, देखिए आप। तो ये फिर उसके बाद कपड़े निकाल के इसके बाद ठंडे पानी में डाल के इनको धो लें, इजी सा मेथड है, रसोई के कपड़े हमारे धोने होते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो ये हुआ ना कितना इजी और फर्स्ट क्लास मेथड, कि मानिए कपड़े इतने साफ हो जाते हैं और बिल्कुल भी चिकाहट या कोई भी तरह की इसमें ऑयलीनेस या कुछ भी नहीं रहता और साफ हो जाते हैं बिल्कुल, नहीं तो आप हाथ से साफ करते हैं तो सफाई इतनी आती नहीं होगी। ये देखिए पानी से धोने के बाद भी कितना गंदा पानी निकला है, और इसको दूसरे पानी से एक बार और अच्छे से धो दीजिए। ये बहुत बढ़िया मेथड है, आप चाहें तो नॉर्मल कपड़े भी अगर आप धोते हैं तो धो सकते हैं। और ये देखिए ये मैं कपड़े सुखा रही हूँ, कितने बढ़िया से साफ हो गए हैं। और ये जो कुकर में जो आपका पानी था उसको वॉश बेसिन में डाल दीजिए, इससे क्या होगा जो आपकी नाली है वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी, प्लस आपका वॉश बेसिन भी क्लीन हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ट्रिप, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और लाइक डन जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ कल किसी और वीडियो में, तब तक राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।